welcome back to my channel. I'm Srishti and in this video I'm going to share my schedule one month prior need. So in the last video I've shared ki kaise maine ek mahine mein sab kuch revise kiya tha. So in this video I will tell you wo jo plan maine banaya tha usko execute kaise kiya. So let's begin. First thing is studying for 16-17 hours was not normal for me. Okay, so I was not a student who used to study for such long hours. मेरे like 2-4 घंटे used to be very very enough. And उतने में मैं थक जाती थी, उतने में मेरा दिमाग saturate हो जाता था. Okay, but since मेरा इतना ज़्यादा syllabus बचा हुआ था, I had this energy कि अब तो करना ही है. तो वो force आपको अंदर से आना चाहिए, तभी आप long sitting hours में पढ़ पाओगे. Second thing is that it's not a timetable, it's a habit. Okay, so I have never believed in timetables because I was not able to follow them. मेरा पास एक डेली शेड्यूल था, मुझे पता था कि ये करना है और वो डेली लगभग सेम था, मतलब सेम अमाउंट में था. एंड क्योंकि मैं डेली सेम टाइम पे सो रही थी और सेम टाइम में उठ रही थी, वो जो मेरी हैबिट थी वही मेरा टाइम टेबल बन गया. एंड द लास्ट थिंग, डोंट फॉलो दिस ब्लाइंडली. ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई शेड्यूल नहीं है, आप बहुत ही हैप्पीजेंट मैनर में सब कुछ कर रहे हैं, देन यू कैन श्योरली फॉलो दिस. क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के अपना वेकिंग अप टाइम एंड स्लीपिंग टाइम जो डिसाइड किया था. सो लेट्स बिगिन. आई यूज टू वेक अप एट 10 AM, द रीजन आई विल टेल यू लेटर. एंड आई यूज टू सेट फॉर स्टडिंग बाय 10:15 AM. यस, इन 15 मिनट्स आई यूज टू डू एवरीथिंग पॉसिबल. आई यूज टू डू माई ब्रेकफास्ट विद माई पढ़ाई, ओनली टू सेव टाइम. एंड आई यूज टू स्टार्ट माई डे विद फिजिक्स बिकॉज उसमें मुझे काफी ज्यादा कंटेंट लग रहा था, बिकॉज मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी थी. और एन एवरेज 3 hours 15 minutes में मेरा वो चैप्टर कम्प्लीटली कम्प्लीट था, फॉर्मूला शीट एंड PYU. मोस्ट इंपॉर्टेंट चंक ऑफ द डे था वो मैं फर्स्ट ही निपटा देती थी ताकि मैं मेंटली जो है फ्री हो सकूं. एंड आई यूज टू गो फॉर लंच. ये तो पहले 3 घंटे 15 hours का हो गया, 2 बजे वापस बैठती थी वापस एक 3 घंटे का सेशन करने के लिए. एंड लेटर ऑन मैं इसी टाइम पे मॉक टेस्ट देती थी. दिस इज द रीजन कि मैं 10 बजे की उठती थी, क्योंकि आपका जो नीट का एग्जाम होगा वो भी 2 बजे से होगा, राइट? तो हमें जनरली इस टाइम पे एग्जाम देने की आदत नहीं होती. हमारे स्कूल के एग्जाम से वो सुबह के टाइम में, दैट इज फर्स्ट हाफ में होता है, बट नीट का एग्जाम टेक्स प्लेस इन द सेकेंड हाफ फ्रॉम 2 to 5:15. ओके, दिमाग की जो प्रोडक्टिविटी हो तब तक कम ना हो जाए, राइट? हमारी आदत हो कि हम दोपहर में खाना खा में वो सुस्त पड़ जाते हैं, हमें नींद आने लगती है. ठीक है, इसी वजह से इट्स इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा लेट उठें. लाइक फॉर मी, आई यूज टू वेक अप एट 10 AM. ओके, तो मेरे लिए 2 PM को एग्जाम देना बिकेम ए नॉर्मल टाइम, क्योंकि 10 बजे उठा, 11 बजे तक तैयार व्यार हुआ, 2 घंटे बाद एग्जाम. सो दिस टाइम, दैट इज फ्रॉम 2 PM, आई यूज टू स्टडी बायोलॉजी. एंड लेटर आई टोल्ड यू कि मैं इस टाइम पे मॉक टेस्ट देती थी, बट शुरू में आई यूज टू डू माई बायोलॉजी. तो जो भी मेरा चैप्टर अगेन शेड्यूल पे होता था उसको मैं बस NCERT से रीड करती थी. बाय 5:15 अगेन एक 3 hours 15 minutes का सेशन हो चुका है और हमने जो है टोटल 6.5 घंटे सुबह से पढ़ाई कर ली है. उसके बाद मैं रेस्ट लेती थी एंड वापस से 6 बजे पढ़ने बैठ जाती थी. नाउ फ्रॉम 6 आई यूज टू गो विथ केमिस्ट्री. ठीक है, तो हमारा 6 बजे से नॉर्मली जो है क्लासेस होती थी मेरी बायजूस की. फिजिकल केमिस्ट्री मुझे डिफिकल्टी लगती थी, मुझे फॉर्मुला याद होते थे, लेकिन एज आई विल गो टू सॉल्व क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आता था. बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो रही, क्या करें. दिस इज हाउ आई टैकल फिजिकल केमिस्ट्री, कि मैं टीचर के साथ, जो हमारे सर थे उनके साथ क्वेश्चन सॉल्व करती थी. देन फिजिकल केमिस्ट्री करके आई यूज टू जंप ऑन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मैं अगेन अपनी NCERT पढ़ती थी एंड उसको हाईलाइट करके उसी में अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती थी. अगेन फॉर 3 hours का सेशन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज माई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आई देन जो है मॉक टेस्ट, तो मेरी मम्मी ही मेरे मॉक टेस्ट का जो OMR शीट था उसको चेक करती थी, मैं उनको आंसर किया देती थी. तब तक मैं अपना मॉक टेस्ट का रिजल्ट देख के देन आई यूज टू गो फॉर डिनर. एकदम तुरंत डिनर करके आई यूज स्टार्ट अगेन फॉर स्टडिंग. अब मैंने अगर मॉक टेस्ट दिया होता था तो उसकी एनालिसिस मैं इस टाइम पे करती थी, मॉक टेस्ट की एनालिसिस, जिसमें मैं बहुत टाइम लेती. अगर 3 घंटा मैंने मॉक टेस्ट में दिया तो 2 घंटा मुझे लगता था उसका एनालिसिस करने में, क्योंकि मार्क्स तो आने थे, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो गलत हो रहे थे. अगर आपने उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने में टाइम नहीं दिया तो वो 3 घंटे जो आपने मॉक टेस्ट दिया ना वो बर्बाद है. 2 घंटे में मैं अपनी मॉक टेस्ट के एनालिसिस करके अपने सेकेंड मॉक टेस्ट देने के लिए तुरंत बैठ जाती थी रात को, एंड वो अगेन 3 घंटे चलता था. और जब मैं उसके पहले मॉक टेस्ट नहीं दे रही थी, देन आई यूज टू डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री अगेन. ठीक है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की मैं क्लास कर रही थी, राइट? तो कल जिसकी वो क्लास होगी उस चैप्टर को मैं एक दिन पहले ही प्रिपेयर करके रखती थी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती थी जस्ट फ्रॉम माई नोट्स. मैं चैप्टर्स को मुझे पता है कि मुझे वो नहीं आता है, तो मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया. ठीक है, शेड्यूल को उस तरह से एडजस्ट किया कि उस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना करके बस पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ही की. अभी ही टाइम है कि आप अपने वीक स्पॉट्स को कवर कर लें अभी ही शेड्यूल में उसको ज़्यादा टाइम दे के, ताकि बाद में वो आपका वीक स्पॉट ना बचे. अब तक मैंने लगभग 14 घंटे की पढ़ाई कर ली होती थी, इसके बाद मैं छोटा सा रेस्ट लेती थी. एंड इसके बाद आई डोंट नो व्हाई मेरी एनर्जी एकदम पीक होती थी सुबह अर्ली मॉर्निंग, 2-3 बज रहे होते थे,
पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी थी, और मैं बहुत पढ़ती थी इस टाइम पे, जब तक मुझे नींद नहीं आती थी, आई यूज टू स्टडी कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक्स, आई यूज टू स्लीप फॉर ओनली 3 to 4 hours, ठीक है। आई नो आई हैव सीन लोगों के शेड्यूल जो बोलते हैं कि हम 17 घंटे पढ़ते थे और तब भी हम 7 ही घंटे सोते थे, आई डोंट नो हाउ इज़ दैट पॉसिबल। इंसान वॉशरूम कब जाता है, खाना कब खाता है, मुंह कब धोता है, आई डोंट नो वो कहाँ से वो ये झूठी खबर लेके आते हैं, बट आई यूज टू स्लीप ओनली फॉर 4 hours एंड येस दैट वॉज इनफ फॉर मी एट दैट टाइम। मुझे नहीं आती थी नींद, मैं 6 बजे सो जाती थी तब भी नींद नहीं आती, तो कभी कभी मैं 7 बजे सोती थी, कभी कभी मैं 7:30 बजे सोती थी एंड तब भी मैं 10 बजे जग जाती थी सुबह। वेकिंग टाइम डेली सेम होना चाहिए, स्लीपिंग टाइम भी सेम होना चाहिए। अब एंग्जाइटी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, वो बात अलग है, बट स्लीपिंग टाइम भी कोशिश करना कि सेम रहे, वो सेम ना हो तो भी वेकिंग टाइम पक्का सा सेम रहना चाहिए। एंड आपको इतनी नींद पक्का आनी चाहिए कि आप अगले दिन उठ के आपके पास एनर्जी हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी 4 ही घंटे सो, आप भी 3 ही घंटे सो, आप उतना सो जितने में आपकी एनर्जी आ रही है, ठीक। क्योंकि मैं दिन में अच्छे लंबे ब्रेक्स ले रही थी, रेस्ट दे रही थी अपनी बॉडी को, तो इसीलिए मैं सोने का टाइम ऑलरेडी कम कर चुकी थी। अगर आप 5-10 मिनट का ही ब्रेक लेते हो पढ़ाई करने के बीच में, तो शायद आपको थोड़ा लंबा स्लीप आर लगेगा, तो एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड योर बिहेवियर। एंड अगर आप मेरा शेड्यूल देखोगे तो मैं डेली हर सब्जेक्ट पढ़ी थी, ऐसा शेड्यूल था कि सब कुछ कवर अप हो रहा था, एंड लेटर ऑन मैंने इस तरह से इम्प्रोवाइज किया उसमें कि मैं 2 mock tests डेली दे पा रही थी, एंड एक 2 से 5 बजे और एक रात को, ठीक है। और उसके एनालिसिस उसी हिसाब से अगले दिन जो फिजिक्स का अलॉटेड टाइम था उसमें मैं एनालिसिस कर लेती थी, क्योंकि अब तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। And that was my schedule 1 month prior to NEET, and that is how I completed all 11th and 12th syllabus in just 1 month. Hope this video helps you. All the best.